नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, दुनिया के मशहूर भविष्य वक्ता के रूप में जाने जाने वाला नाम और कोई नहीं फ्रांस के नास्त्रे दमस है, जिनकी भविष्यवाणियां हमेशा से ही चर्चा में रही हैं। और विद्वानों ने नास्त्रे दमस की भविष्यवाणियों का विश्लेषण किया और पाया कि उनके द्वारा सैकड़ों वर्ष पहले की गई सभी भविष्यवाणियां लगभग सच साबित हुई है। ऐसे में फिर से चर्चा में क्यों है ये भविष्यवाणियां, आइए चलते हैं आपको बताते हैं। बता दें कि नास्त्रे दमस की भविष्यवाणियां के अनुसार आने वाला साल 2023 ही वो साल है जिसमें तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है। हर बीतते साल को बाय और आने वाले साल को नमस्कार करते हुए साल 2023 भी आ गया। और इस प्रकार अपने साथ फ्रांस के भविष्य वक्ता नास्त्रे दमस की भविष्यवाणियां जो 2023 को लेकर है, एक बार फिर से लोगों के बीच जाग उठी है। फ्रांस के जाने माने भविष्य वक्ता नास्त्रे दमस की भविष्यवाणियां चर्चा का विषय हमेशा से रही हैं, क्योंकि उनके द्वारा ज्यादातर भविष्यवाणियां सच ही साबित हुई हैं। यही वजह है कि लोग उनकी बातों को गंभीरता के साथ सुनते हैं। आने वाले साल 2023 को लेकर उनके द्वारा कही गई बातें यानी कि भविष्यवाणियां अच्छी तो नहीं है, क्योंकि युद्ध का आगाज हो सकता है जिसे लेकर लोगों के मन में डर और आशंका बनी हुई है। साल 2023 में महायुद्ध होने की भविष्यवाणी है नास्त्रे दमस के द्वारा। तो ऐसे में कई लोगों के हिसाब से ये तर्क दिया जा रहा है या ये तर्क जोर पकड़ रहा है, जैसे कि यूक्रेन और रूस के बीच चल रहा युद्ध, क्योंकि ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा और कहीं यही तो तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत तो नहीं बन रही, ऐसे तर्क लोगों के द्वारा मिल रहे हैं। नास्त्रे दमस के अनुसार 2023 में यह युद्ध 7 महीने तक चल सकता है। इस साल जिन लोगों ने भी बुरे काम किए हैं उनकी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा भी कहा गया है। नास्त्रे दमस की यह भविष्यवाणी सच साबित हुई तो आप सोचिए कि देश दुनिया में क्या हाल हो सकता है। वहीं नास्त्रे दमस ने यह भी लिखा है कि शाही भवन पर आकाशी आग, यानी कि नास्त्रे दमस भविष्यवाणी के माध्यम से दुनिया के खत्म होने की तरफ भी इशारा करते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि आग बरसने से पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। दोस्तों, कोरोना के बाद से वैसे ही पूरी दुनिया आर्थिक संकट से जूझी और अभी भी चीन जैसे देशों का कोरोना से बुरा हाल है। ये पूरा साल पूरे विश्व ने संघर्ष ही किया। वहीं अब आने वाले साल में लोग इस वायरस से छुटकारा और सुख समृद्धि ही चाहेंगे, लेकिन नास्त्रे दमस की भविष्यवाणियां जो है उनके हिसाब से साल 2023 में तीसरा विश्व युद्ध होने से देश और दुनिया में आर्थिक संकट और ज्यादा गहराएगा, जिसके कारण भुखमरी का विस्तार होगा और हर तरफ खाने को लेकर हाहाकार भी मचेगा। क्योंकि नास्त्रे दमस ने लिखा था, गेहूं इतना ऊंचा उठेगा कि आदमी एक दूसरे को ही खा जाएंगे। इस भविष्यवाणी को लोग यूक्रेन और रूस के युद्ध से जोड़कर देख रहे हैं, क्योंकि ऐसा हुआ है रूस यूक्रेन युद्ध के चलते दुनिया भर में गेहूं की कमी आई और इन सब बातों के चलते इनके द्वारा की गई भविष्यवाणियों को लोग हल्के में अब नहीं ले रहे। नास्त्रे दमस की भविष्यवाणियां केवल धरती पर ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष विज्ञान जगत की बात भी कर रही हैं, जिसमें वर्ष 2023 के बाद इंसानों के मंगल पर पहुंचने का जिक्र भी मिलता है। इस साल आपने देखा, यानी 2022 में आपने देखा, चाहे नासा हो, चीन हो या भारत हो, सब ने इस क्षेत्र में कई सफलताएं अर्जित की और मंगल पर जीवन की तलाश में कई मिशन भी सफल रहे, जिससे इस ग्रह पर जल्द ही जीवन की जो संभावना है वो साकार होती भी दिख रही है भविष्य में। वहीं इस दिशा में नासा पर्सिवरेंस मिशन अपना काम काफी तेजी से कर रही है और बेहतरीन काम हो रहा है। इसी के चलते अमेरिका ने तो 2025 तक मानव को मंगल पर भेजने का ऐलान भी कर दिया। तो ये थी एक छोटी सी चर्चा नास्त्रे दमस के द्वारा 2023 में क्या भविष्यवाणियां की गई है उसको लेकर। फिलहाल सामान्य मान्यता और जानकारियों के आधार पर नास्त्रे दमस की भविष्यवाणियों को लेकर ये पूरी चर्चा की गई थी, लेकिन हमारा चैनल इसकी पुष्टि नहीं करता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें नास्त्रे दमस की भविष्यवाणियों को लेकर। आने वाले साल में कितनी सच होती है इस बात की किसी भी तरह की पुष्टि हम नहीं करते। फिलहाल आने वाले साल 2023 की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे चैनल, हमारे परिवार एंड वर्ल्ड की तरफ से। आपके प्यार के चलते हमारा ये छोटा सा परिवार 1000 लोगों का हो गया है, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार बरसाते रहिए और हमारे परिवार को और बढ़ाइए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एन वर्ल्ड को और हमारे ही चैनल शोध को भी। फिलहाल नमस्कार।